वाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास बात लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ऊन के नियम के बारे में बताऊंगी, साथ ही यह भी बताऊंगी कि ऊन का नियम हम सब पर भी लागू होता है। कैसे, चलिए जानते हैं इस बारे में। ऊन का एक बड़ा साधारण सा नियम है, इसकी जब बुनाई की जाती है यह तभी यूज में आता है और महत्वपूर्ण बनता है। यदि ऊन से कपड़ों की बुनाई ना की जाए तो यह ना ही लोगों को ठंड से बचा पाए और ना ही उनकी साज सज्जा के काम आए। जब जब ऊन को बुना जाएगा यह तब तक काम आएगा। जिस तरह ऊन की बुनाई करने पर ऊनी कपड़ों में जान आती है, वैसे ही मनुष्य को भी प्रशंसा तभी मिलती है जब वे मेहनत से काम करते हैं। जो व्यक्ति केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, वे ऊन के उस गोले के समान होते हैं जिनके होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेहनती व्यक्ति उस खूबसूरत स्वेटर की तरह होते हैं जिसे देखकर हर कोई उसे पाना चाहता है। यदि स्वेटर को बुना नहीं जाता तो उसकी सुंदरता निखर कर नहीं आती। व्यक्ति की काबिलियत भी तभी निखरती है जब वह मेहनत और लगन से काम करता है। ऊन की बुनाई करने में और मनुष्य के काम करने में एक और सेम बात यह है कि यदि डिजाइन अच्छा ना बने तो उसे उधेड़ कर दोबारा बनाया जा सकता है। उसी तरह यदि मनुष्य को एक बार में सफलता ना मिले तो वह दोबारा से काम को दोगुनी मेहनत एवं एकाग्रता से करके सफल बन सकता है। इन सब में उन सलाइयों और मशीनों को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता जो ऊनी कपड़ों को तैयार करने में मदद करती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई लोग होते हैं जो ऊन की सलाइयों की तरह हमारे जीवन को बुनने में मदद करते हैं। आप ऐसे लोगों को कभी ना भूलें और समय समय पर उनको थैंक्स अवश्य बोलते रहें। अब तो आप ऊन के नियम को अच्छी तरह समझ गए होंगे ना। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक और नई बात के साथ। थैंक यू।